कुछ एक सामान जो है वो मुझे मम्मी ने भी दिया है, क्योंकि लाइक हम 4 साल बाद गए थे तो वो कंजके वगैरह। और जो सेक्शन है ना वो खुल जाओ भैया, लेजी सूजन है इस तरह से। तो ये दीदी ने मुझे दी है गिफ्ट। पैर सो गया नीचे बैठे बैठे। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज ऑलमोस्ट 1 हफ्ता होने को आया है, और लाइक इंडिया से आए हुए 1 हफ्ता होने को आया है, और आज मैंने कैमरा उठाया है एंड आई थॉट कि आपके साथ शेयर करती हूँ। हालांकि आपको वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यूअस देखने को मिली ही हैं, बट घर से आने के बाद एक तो वेदर चेंज की वजह से, हालांकि जब यहाँ से इंडिया गए थे तो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब यहाँ आए तो वो एकदम से ठंडी ठंडी, तो 2-3 दिन थोड़ा सा अंडर वेदर भी रहे। फिर ईवी इतना परेशान कर रही है, वहाँ तो सबकी गोद गोद में रहती थी वो, इसके पास जा रही है उसके पास जा रही है, घूमी घूमी का बड़ा उसको शौक लगा हुआ था, तो सभी लोग उसको लाइक बाहर घुमाते ही रहते थे। तो यहाँ आके फिर बंद बंद और वही 3 शक्लें उसको दिखाई दे रही है वहाँ पर। तो इतने सारे लोग थे, तो जितना हम लोग मिस कर रहे हैं ये भी बता नहीं सकती, बट वो हमसे ज़्यादा मिस कर रही है। वीडियो कॉल पे बात होती है तो वो देख के खुश हो जाती है, फिर ऐसे ऐसे देखती है कि अरे ये दिखाई दे रहे हैं, बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। जैसे और लोगों ने शक्ति ईवी को ले ले, और वो ऐसे ऐसे देखती है। तो आई डोंट वांट टू स्टार्ट क्राइंग अगेन। तो इंडिया से आने के बाद ये होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, 1 महीना लग जाता है सेटल होते होते। कुछ भी काम करने चलो तो अरे ये ऐसे करते थे वैसे करते थे। वेल चलिए, अच्छी रही इंडिया ट्रिप हमारी, वी एंजॉयड अ लॉट, बहुत सारी मेमोरीज बनाई, इस बार आपके साथ भी सारी शेयर करी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ बैठी हूँ, बहुत सारे बर्तन शर्तन लेके, और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किचन के लिए क्या क्या सामान खरीदा है इंडिया से। कुछ एक सामान जो है वो मुझे मम्मी ने भी दिया है, क्योंकि लाइक हम 4 साल बाद गए थे तो वो कंजके वगैरह नवरात्रि जैसे पड़ते हैं ना, तो अद्वी के लिए कंजकों का सामान इस तरह से मम्मी हर बार रख ही देती थी, तो कुछ सामान वैसा भी है। और यस चलिए बस 1 बाय 1 करके शेयर करती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इधर से दिखाऊँ, एक तो मैं हाथ में लेके बैठी हुई हूँ एक्चुअली। और हाँ ये बताना था मुझे कि सारी सामान जो है ना वो लोकल शॉप से लिए हुए हैं, देवबंद से ही है मोस्टली सामान, तो कोई ऑनलाइन लिंक नहीं है, बट सिमिलर आपको कुछ ना कुछ जो है वो अमेजोन ईबे पे मिल ही जाएगा इफ़ यू विल सर्च। सब चीज़ों के नाम तो मैं बता ही दूंगी। ओके, जो सबसे पहले मेरे हाथ में, मैं वही दिखा देती हूँ। ये एक टिफ़िन ही है, इस तरह से ये बोल है ढक्कन वाला, तो ये मम्मी ने अद्वी के लिए, कोई से नवरात्रि का होगा, तो ये इस तरह से लाइक इसमें मैं कुछ भी दही वगैरह रख सकती हूँ, एनीथिंग आप कुछ भी रख सकते हैं, तो ये मम्मी ने दिया है। इसके बाद एक मैंने ये घी पॉट खरीदा है, और इस तरह से काफ़ी बड़ा है ये, मेरे पास है वो छोटे वाला है, बट उसमें ये कि एक ही दिन का काम चलता है, तो डेली डेली वो बड़ा डब्बा निकालो घी का और उसके बाद उसमें करो। इसमें यह कि 2-3 दिन का आराम से आ जाएगा। और जो ऑलरेडी मेरे पास है उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल वो निकालूंगी, जिससे कभी हम लोग पराठा वगैरह बनाते, नहीं तो फिर मुझे वो अलग से बोल में निकालना पड़ता है, तो उसमें मैं वो एवोकेडो ऑयल रखूंगी। तो ये घी पोटेस की चम्मच भी है, कहीं मिस होगी, तो चम्मच भी अच्छे साइज की है, तो ये घी पोटर, इसकी स्टील बहुत अच्छी है, हैवी है ये, तो इसको ना डायरेक्टली अगर गर्म भी करना चाहो ना, जैसे घी को मेल्ट करना हो, तो वो भी आराम से हो जाएगा। तो काफी हैवी है ये वाला। और लोहे का एक मैं ये तवा लेके आई हूँ, मेरा जो ऑलरेडी तवा मेरे पास है वो बहुत हल्का हो गया, क्योंकि वो बहुत पुराना है, मैं क्या से कहीं 25-30 साल पुराना ना हो वो तवा, तो बहुत हल्का हो गया है, बट ऐसा नहीं कि मैं उसको डिस्कार्ड करने वाली हूँ, मैं उसको भी रखूंगी, तो वो मैं पराठे के लिए रख दूंगी लोहे का तवा, और ये वाला फिर मैं रोटी के लिए कर लूँगी। और ये भी बहुत हैवी है, थिकनेस आपको इसकी दिख जाएगी। तो एक ये लोहे का तवा लेकर आई हूँ। ओके, 2 मैं ये प्लेट लेकर आई हूँ, इस तरह की है ये, सेक्शन वाली है, इस तरह से यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, और यहाँ पे कोई भी डिप जो है वो डाल सकते हो। तो ये 2 प्लेट का मैं सेट लेकर आई हूँ, और वो दुकान वाले भैया इसको अंडा बोल रहे थे कि ये अंडा है, इसकी जो शेप है ना वो कुछ कुछ ऐसी है जैसे कि अंडे की होती है। तो 2 प्लेट्स ये लेकर आई हूँ, ये भी खरीदी है मैंने। और दो प्लेट जो है वो मैं ये वाली सेक्शन वाली इस तरह से ये लेकर आई हूँ। दो का सेट है ये इस तरह से, तीन सेक्शन वाली। तो ये इजी रहती है ना, अद्वी और ईवी के लिए ही लेकर आई हूँ कि उनको खाना इसमें तो वो अलग अलग कटोरियों में करने की जरूरत नहीं होती, फिर इनमें करके देखो। तो ये सेक्शन वाली जो है ना ये अच्छी रहती है, बर्तन कम होते हैं। आई रियली लाइक दैट आइडिया। दीदी ने कहा कि बर्तन कम होते हैं इससे, तो फिर ये सेक्शन वाली जो है ये दो प्लेट मैंने ली है। आई थिंक बड़े वाली मेरे पास ऑलरेडी है, दो या तीन मेरे पास है जिसमें 5 सेक्शन है वो है। ओके इसके बाद है ये एक और प्लेट, और आपको रिफ्लेक्शन में उधर विकास का ब्लैंकेट दिखाई देगा, विकास का लैपटॉप चेयर। ओके हाँ मैं एटिक में बैठी हुई हूँ। तो ये एक थाली है, तो ये मम्मी ने दी है, ये भी कोई से कंजक की ही है और अच्छी खासी हैवी है ये एक थाली हो गई जी। और ये कोंचा बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, पलटा जो होता है ये टर्नर, ये लिया है मैंने हलवा बनाने के लिए, हमारे यहाँ इसको यूज करते हैं। तो एक ये लिया है, ये मेरठ से लिया है एक, पता नहीं उस शॉप का क्या नाम था, बड़ी फेमस ही दिमाग से निकल गया, ये वहां से लिया था मैं और दीदी जब गए थे शॉप पे। चकला लेकर आई हूँ, मेरा जो चकला है वो भी पुराना हो रहा था, उसमें इवन एक क्रैक भी आ गया था, तो जैसे तैसे काम ही चला रही थी। और ये बहुत ना चिकना चिकना सा है, आई थिंक इसके ऊपर ना सनमाइका लगी हुई है, तो बहुत ही चिकना सा। आई डोंट नो कि रोटी कैसे मिलेगी, कहीं ऐसा ना हो कि फिसलती ही रहे, बट जब यूज करूंगी आई लेट यू नो। और ये थोड़ा सा बिग साइज का भी लिया है मैंने, तो सुंदर लग रहा है बहुत ही वाला चकला। पत्थर का लेने का बड़ा मन था, संगमरमर का, बट वो ये कितना हैवी हो जाता है, बैग में ला भी नहीं सकते, और फिर ये भी डर था कि कहीं टूट ना जाए मैं लेके भी आऊं, तो फिर ये सही लगा मुझे, फिर मैं यही वाला ले आई। ओके जी इसके बाद एक लाई हूं मैं ये लंच बॉक्स अद्वी के लिए, और इस तरह से है ये, और इसके अंदर ना 4 सेक्शन है, और जो सेक्शन है ना वो खुल जाओ भैया, और जो सेक्शन है ना वो काफी डीप है। अद्वी के पास अभी भी 4 सेक्शन वाला लंच बॉक्स है, आपने मेरे पहले व्लॉग्स में देखा ही है, बट वो ना इतना डीप नहीं है, ये काफी डीप है। तो मुझे ये होता था कि कभी उसको मैं कुछ राइस वगैरह कुछ ऐसी चीज देती थी ना, तो वो मुझे अलग से फिर दूसरे बॉक्स में देना पड़ता था जो वार्म रखता है। और इसमें ना सील वगैरह इस तरह से लगी हुई है कि एक सेक्शन का खाना दूसरे सेक्शन में नहीं जाएगा, तो इसके अंदर उसके स्नैक वगैरह सारी चीजें हो जाएंगी। एंड एनी हाउ वो वाला टूट गया था, उसका ये खराब हो रहा था, तो मुझे लेना ही था उसका लंच बॉक्स, तो ये मुझे अच्छा लगा। और ये लंच बॉक्स फिर मैं अद्वी के लिए लेकर आई हूँ, उसके साथ स्पून और फॉर्क भी है, और ये इस तरह से आप इसको कैरी भी कर सकते हो, तो अच्छा है। ये हैवी साइज की प्लास्टिक भी बहुत अच्छी है, ये भी मैंने मेरठ से लिया था। ओके इसके बाद एक मैं ये सर्विंग ट्रे लेकर आई हूँ, सुंदर लगी ऐसी जो है, ये ना 3 का सेट था एक्चुअली, एक बड़ी एक छोटी और एक ये सबसे छोटे वाला साइज था, तो ये मम्मी ने खरीदी थी अपने लिए, तो फिर ये छोटे वाली एक मैं ले आई मम्मी से। तो बहुत सुंदर लग रहा है ना, मार्बल जैसा लग रहा है, बट ये मेलामाइन आई थिंक कुछ मटीरियल तो शायद उसकी है, मे बी रॉन्ग हो सकती हूँ। तो ये है। अच्छा ये वाली मशीन मैं लेकर आई हूँ जो भुजिया बनाने वाली, सेव बनाने वाली, मेरे पास थी पहले लेकिन वो टूट गई थी, शायद आप लोगों ने लास्ट टू लास्ट ईयर होली का व्लॉग देखा होगा, मैंने बताया था कि वो मशीन टूट गई, तो इस बार मैं फिर से लेकर आई हूँ क्योंकि ऑब्वियसली होली पे इसकी बहुत याद आती है, तो ये मशीन लाई हूँ मैं, ये मैंने देवबंद से ही खरीदी थी। ओके मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सूप वाले स्पून यहाँ नहीं मिलते हैं कहीं भी, ये सूप वाले ना, तो ये 6 का सेट में लेकर आई हूँ, और देखने में ना ये मार्बल जैसा लगता है, बट ये मार्बल का नहीं है, वही आई थिंक मेलामाइन वही मटेरियल है। मुझे पहले रिसर्च करनी चाहिए बैठने से पहले, मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ वीडियो बनाने, फिर मैं कुछ गलत सलत बोल देती हूँ, फिर आप बताते हो दीपिका ऐसे नहीं ऐसे, बट वो भी सही है, नॉलेज बढ़ती है, जिसको नहीं पता होता उनको भी पता लग जाता है फिर। ओके दिस इज माई फेवरेट, व्हाट इज दिस? एक तो ये जो इसकी नाव वाली शेप है ना ये बड़ी सुंदर है, और ये है क्या, ये है ड्राई फ्रूट ट्रे, लग रही है ना सुंदर, बहुत ही अच्छी है ये। ड्राई फ्रूट रख लो, कोई भी स्नैक रख लो, कुछ भी, और ना ये डाइनिंग टेबल के ऊपर बड़ी मस्त लगने वाली है, और बहुत ही ना हैवी सा लुक देती है, बट उतनी हैवी ये है नहीं। और ना ये ना दिखाऊं मैं आपको, ये अलग भी निकल जाती है इस तरह से, तो अगर कभी रखना हो तो इस तरह से भी रख सकते हो आप इसको, और इसको एज अ ट्रे भी आप यूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक लाइनर लगा के आप इसको एज अ ट्रे भी यूज कर सकते हो, बट मैं तो खैर ऐसे ही यूज करने वाली हूँ। और ये ना रोज गोल्ड में भी थी, गोल्ड में भी थी, और ये सिल्वर में भी थी, बट सिल्वर वाली सबसे डिसेंट लग रही थी तो ये मैंने ली है। और देखती हूँ इसको ड्राई फ्रूट के लिए, स्नैक के लिए सोच के तो मैं ड्राई फ्रूट के लिए ही लाई हूँ, जैसे दिवाली वगैरह पे ड्राई फ्रूट सर्व करते हैं ना, तो उस टाइम के लिए अच्छी रहेगी। तो बताना ये कैसी लगी, आई लव्ड इट। देवबन से ली है वाली मैंने। ओके जी, हाँ जी, एक और एक मैंने लिया है ये, और ना ये लेजी सूजन है इस तरह से। तो ये ना मल्टीपर्पज एक्चुअली, आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के अचार भी रख सकते हो, आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट चटनी भी रख के सर्व कर सकते हो, आप चाहे तो इसमें स्नैक भी रख सकते हो कि अलग अलग नमकीन रख दी, कुछ बिस्किट रख दिया, कुछ भी स्नैक रख दिया। तो डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज करने वाले हो। तो मेरा भी अभी श्योर नहीं है, शायद मैं कुछ अचार वगैरह रखूँ इसके अंदर। और ये मेरे लिविंग रूम के थीम के साथ जा रही है, ब्लैक एंड येलो, किसने नोट किया। तो ये मैं रखूंगी तो अब डाइनिंग टेबल के ऊपर ही, बट देखती हूँ कि क्या क्या रखूं इसके अंदर। या तो मैं मिक्स मैच करूंगी कि कुछ पिकल रख दूं, कुछ स्नैक आइटम या कुछ ड्राई फ्रूट, बट वो देखूंगी कि वो अच्छा लग रहा है कि सारी चीजें एक साथ रखना। या फिर आप लोग सजेस्ट करना कि सिर्फ अचार के लिए ही यूज करूं या इसी तरह से मिक्स मैच करके चीजें इसके अंदर मैं डाल दूं। एक आध जार जो है वो खाली भी रख सकती हूँ कि कभी चटनी बनाई और वो सर्व करनी हुई तो। सो यस, और ये इसका बेस्ट पार्ट है लेजी सूजन वाला, आई लव्ड इट। मम्मी के पास भी है इस तरह का, मेरा ये बड़ा है 6 वाला, मम्मी के पास वो 3 वाला है, उनका स्काई ब्लू कलर में है, तो उनका ट्रे जैसा है शायद, आप लोगों ने नोट किया हो, अचार रखा रहता है उसमें। तो ये लेकर आई हूँ एक, ये भी देवबंद से ही खरीदा। इसके बाद एक और ये स्नैक ट्रे है ये, और इसके अंदर ना ये 4 इस तरह से बॉक्स हैं, और ये इसकी, निकल जाओ भैया, ये लिड है, तो इसके अंदर ये 4 कंपार्टमेंट इस तरह से, ये 4 बॉक्स हैं। अगेन मल्टीपर्पज, ड्राई फ्रूट के लिए यूज कर सकते हो और नमकीन बिस्किट के लिए, कुछ भी जो भी है स्नैक वगैरह सर्व करने के लिए। सुंदर लगी ये वाली ट्रे और कलर बड़ा इसका प्यारा था, तो इसीलिए एक ये मैं लेकर आ गई हूँ। देखते हैं कि किस तरह से यूज होगी। ऐसे ऐसे सामान ना इंडिया मस्त बनता है, और मतलब मैं क्रॉकरी वाले की दुकान पे जाके ना मैं ऐसे पागल सी हो गई। तो वैसे ही मुझे क्रॉकरी का इतना शौक है, मेरा मन कर रहा था मैं बस ये डिनर सेट भी उठा लूँ, मैं ये कप प्लेट भी उठा लूँ, मैं ये भी कर लूँ, बट नहीं ला सकती थी इतना सामान। तो बिल्कुल फेवरेट सेलेक्टिव जो है वो मैं लेकर आई हूँ। ओके चलिए, इसके बाद मैं लाई हूँ एक ये कढ़ाई, और अच्छा डिसेंट साइज है इसका, तो डेली की जो सब्जी बनाने के लिए उस पर्पज से मैं इसको लेके आई हूँ। और ये बहुत हैवी वाली कढ़ाई है, मेरे ख्याल से ये कुछ 2500-3000 की होगी ये वाली, और ये इंडक्शन के लिए भी है, हर तरह के चूल्हे पे जो है ये काम करेगी, इस पे लिखा हुआ है। 3 प्लाई वाली है ये। बाकी मैं बनाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह की ये निकली है। और धीरे धीरे करके ना मैं नॉन स्टिक जो है वो अपनी किचन से निकाल ही रही हूँ एकदम। तो ऑब्वियसली आप पूरी किचन तो रिप्लेस कर नहीं सकते हो, और कुछ नॉन स्टिक ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नए नए भी रखे हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बस मैं उठा के फेंक दूंगी। तो धीरे धीरे करके चीज़ें जो हैं वो मैं रिप्लेस करती जा रही हूँ, डोनेट करती जा रही हूँ। तो अभी एक कढ़ाई की बड़ी ज़रूरत थी डेली की सब्जी बनाने के लिए, तो फिर मैं ये एक कढ़ाई ले आई हूँ, और इसके साथ ये इसका ढक्कन है। तो एक ये कढ़ाई अच्छी है, तो ये कढ़ाई बाकी यूज़ करूँगी तो बता ही दूँगी। एक मिनट, मैं सामान ना इधर सरका लूँ तब दिखाती हूँ मैं आपको। ओके जी, ओके, एक एक ये रख लूँ इधर। ऑलराइट, इसके बाद ये एक वाटर बॉटल, ये मेरी दीदी ने मुझे दी है, मेरठ मेरी दीदी जो रहती है, और ये अंदर से कॉपर की, अगर आपको दिखे तो ये अंदर से कॉपर की है और बाहर से ये स्टील की है। तो ये दीदी ने मुझे दी है, गिफ्ट करी है। तो ये है बॉटल। मेरा पैर सो गया नीचे बैठे बैठे, किस किस का पैर ऐसे सो जाता है, मेरा बहुत जल्दी नम हो जाता है, बहुत ही जल्दी। शादी में फेरों के टाइम में भगवान जी पता नहीं कितनी बार मैं अपना पैर इधर से उधर पलट रही थी, कभी ऐसे कभी वैसे, कहाँ की बात कहाँ चली जाती है। ओके, स्टील के ये ग्लास टम्बलर्स, इनका सेट है, ये 6 का सेट है, उधर रखे हुए सारे के सारे, तो एक ही दिखा देती हूँ। तो इस डिज़ाइन के ये 6 ग्लास हैं, पानी के लिए, रायते के लिए, वॉटेवर आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये मैं लेकर आई हूँ और मोस्टली जो है वही स्टील का ही सामान लेकर आई, क्योंकि धीरे धीरे स्टील के भी सामान जो है वो मैं इकट्ठे करने लगी। कुकिंग के लिए नहीं, डेली के सर्विंग के लिए भी मैं स्टील इकट्ठा कर रही हूँ। ओके, ये तो वही ग्लास हो गया, एक ये है और एक ये वाला सेट है, ये ना कप स्टाइल है, ये रायते के लिए परफेक्ट है। चाय के लिए तो नहीं बोलूंगी क्योंकि ये सिंगल लेयर वाला ही है, लेकिन आजकल ना चाय के भी बड़े अच्छे चल रहे हैं स्टील वाले, मेरी दीदी के पास हैं और वही कि उनमें बिल्कुल भी गर्म नहीं होता। मन था मेरा लाने का, बट मुझे जिस तरह के चाहिए थे वो नहीं मिल पाए उस दिन जब हम गए शॉप पे। तो फिर ये वाले जो है ये तो मैं रायते के पर्पज से, ये चाय के लिए आप यूज नहीं करोगे क्योंकि ऑब्वियसली फिर ये गर्म हो जाएगा, आपका मुंह जलेगा। ट्राई कर सकते हैं बट 1 प्लाई वाले हैं तो ये उस पर्पस के नहीं है। तो ये है, बट ये देखने में बड़े क्यूट से हैं। और ये वाले जो हैं ये मम्मी ने दिए हैं, ये 6 का सेट है, ये मम्मी ने मुझे दिए हैं। ओके, एक मैं लाई हूँ ये स्टील का डब्बा जार। बहुत टाइम पहले की बात है जब चैनल शुरू ही हुआ था ना और मैंने अपना योगर्ट मेकर दिखाया था, तब मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीपिका प्लास्टिक का जार यूज ना करके जब इंडिया जाओगे ना तो स्टील का जार लेकर आना और उसमें दही जमा के देखना, अच्छी जमती है, और प्लास्टिक जो है फिर वो आप अवॉइड भी कर दोगे। बट वही है कि इंडिया जाना हुआ ही नहीं, तो वो तब से मेरे ध्यान में था। तो ये मैं लेकर आई हूँ और ये परफेक्टली फिट होगा मेरे योगर्ट मेकर में, आई होप सो। मैंने अब तक ट्राई नहीं करके देखा, तो ये लेकर आई हूँ और मैं इसमें दही जमा के देखूंगी कि हाँ जम जाएगी, नहीं जमेगी तो किसी और यूज में आ जाएगा। बट हाँ, ये एक मैं जार लेकर आई हूँ स्टील का। गुंजिया की मशीन मेरी टूट गई थी तो ये लेके आई हूँ। अच्छा जी, इसके बाद है ये छोटी छोटी सी कटोरियाँ, बिल्कुल ही छुटकी छुटकी सी। होता है ना कभी कभी कोई रेसिपी वीडियो होती है उसमें इंग्रेडिएंट्स दिखाने होते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल प्रोफेशनली इनके अंदर इंग्रेडिएंट्स निकाल निकाल के, रादर देन शोइंग होल मसालेदार नहीं, ये इसके अंदर कर करके दिखाया करूँगी, सोच रही हूँ। तो ये 12 कटोरियों का मैं सेट लेकर आई हूँ और देखने में भी बड़ी क्यूट लग रही हैं। ओके जी, इसके बाद 2 ये कलश बोल दूं, लोटे ये हैं। ये वाले जो बर्तन हैं जो मैंने अभी दिखाने शुरू करे ना, ये पूरे के पूरे ये मम्मी ने दिए हैं। तब अभी ईवी का जब छोचक आया था ना तब उसमें दिए थे, तो ये उसके बर्तन हैं। उस तो ये है, ये है एक, ये छोटा सा करवा है, करवा चौथ के लिए चाहिए था क्योंकि मैं जो थी इसी तरह के जो कलश होते हैं ना इसी के अंदर पूजती थी, लेकिन बेसिकली करवा पूजा जाता है और इतनी बार इंडिया जाना हुआ, हर बार जो है वो करवा भूल ही जाते थे। हालांकि पहली करवा चौथ पे मम्मी ने इतना बड़े वाला करवा जो है मेरा पूजवाया था और वो मैं ससुराल लेकर गई थी और हर बार याद रखती थी कि मैं वहां से लेकर आऊंगी और आते टाइम फिर भूल जाती थी, और इस बार भी वो बड़े वाला आते टाइम मैं भूल ही गई। ये तो गनीमत है कि मम्मी ने छोटे वाला दिया और ये इन बर्तनों के साथ जो है ये आ गया, तो एटलीस्ट मेरा पूजने का काम चल जाएगा। तो ये करवा है और एक ये ईवी की छोटी सी गिलासी है और एक ये है ईवी की गिलासी, इसकी ना 2 तली और उनके बीच में घुंघरू है, तो ये घुंघरू वाली उसकी गिलासी है। एक ये चम्मच है ईवी सिंह की, और जी 2 ये छोटी छोटी कटोरियां हैं, और जी ये थाली है, थाली आपको दिखी जिसके अंदर ये सारे बर्तन है। तो ये सारे के सारे मम्मी के दिए हुए हैं ईवी के लिए। एक ये टिश्यू का स्टैंड, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया था जिन भैया के यहाँ से इतना सारा सामान खरीदा ना, तो फिर मैंने पूछा अरे भैया ये कितने का अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने कह दिया अरे दीदी ऐसे ही ले जाओ। अच्छा ठीक है, तो ये टिश्यू रखने के लिए मुझे यहाँ पे भी सच बताऊं जैसा मुझे चाहिए था यहाँ पर नहीं मिला, एक डनेल पे है 1-2 बट दे आर फार मोर एक्सपेंसिव। ओके जी, तो यही था आई थिंक सारा सामान, और इधर तो बस ये गिलास ही रखे हुए हैं, यही है वो बता रही थी गिलास का सेट है और ये कप का सेट, तो यही सारी चीजें। तो जी यस, किचन का सामान तो यही था सारा का सारा। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी का जो सामान है वो धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, एक ही वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगी तो फिर वही है कि वो बहुत लंबी वीडियो जाती है, मुझे एडिटिंग में भी दिक्कत होती है, आप लोग भी देख के बोर हो जाते हो, तो मैं सेक्शन वाइज दिखा रही हूँ। तो आज जो है वो मैंने सारा किचन का सामान जो है वो शेयर कर दिया है, तो अब मैं कल को इसको लगा दूंगी और उसके बाद फिर मैं दूसरा सामान आपके साथ शेयर करूंगी। तो धीरे धीरे मल्टीटास्किंग और साइमल्टेनियसली सारा सामान जो है वो अपनी अपनी जगह पे भी पहुंच जाएगा। चलिए, कुछ भी अच्छा लगा आज के वीडियो में तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।